इक्वी पोटेंशियल सरफेस आज का हमारा टॉपिक है। इक्वी पोटेंशियल का मीनिंग बच्चों, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम रहे, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर मैंने टू पॉइंट जूम कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया वी ए, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको मैंने मान लिया वी बी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बच्चों हमने यहाँ पर चार्ज माना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिसको हम लिख देंगे वी बी माइनस वी ए, वो इक्वल आएगा वर्क डन के। और बच्चों हमने अभी क्या देखा कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल वो कैसा रहेगा, सेम। इसका मीनिंग पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल होगा पॉइंट बी पर, और अगर ऐसा है तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। इसका मीनिंग हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने में जो किया जाने वाला वर्क डन है वो कितना होगा, जीरो होगा। कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाने के लिए, कहां पर, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। मान लीजिए उस चार्ज को हम ए से बी मूव करवा रहे हैं और ये डिस्टेंस है डीएल, तो कितना वर्क, स्मॉल वर्क डन हम निकालेंगे ए से बी मूव करवाने के लिए, वो आएगा ई डॉट डी एल। ये ई कैसे है बच्चों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। हमने यहाँ पर क्या माना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो एफ का फॉर्मूला होता है क्यू ई, और क्यू यहाँ पर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो एफ यहाँ पर आना था, वहां पर हमने क्या पुट कर दिया, ई पुट कर दिया। तो ई डॉट डी एल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप ओपन कर दें, ई डी एल कॉस थीटा, ये वर्क डन है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। यहां से हम थीटा निकालेंगे, थीटा आएगा हमारे पास 90 डिग्री, और ये जो थीटा एंगल किस किस के बीच है, वो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो डीएल है उसके बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री का। इसका मीनिंग जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखी है, एक्स एक्सिस के लोंग हमें दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसी के लोंग क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड की ओर है अलोंग एक्स एक्सिस की ओर है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि उसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। कहने का मीनिंग बच्चों, उस सरफेस की डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग वाई जेड प्लेन, और इस सरफेस की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको आप मान लो ये जो पॉइंट है ना वो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। मान लीजिए ये जो पेन की डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये है एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस का ये वाला एज है ये है जेड के लॉन्ग, और ये वाला एज जो है वो है वाई के लॉन्ग। तो ये जो कार्ड है एक प्रकार से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो कर रहा है जो कि वाई जेड प्लेन के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां पर है, इस पेन के लॉन्ग, इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। ऐसे बहुत सारे सरफेस होंगे, ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, इस प्रकार बहुत सारे सरफेस डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंगल चार्ज क्यू चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल की वैल्यू हम जानते हैं, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये क्यू है, आर डिस्टेंस है, और अगर आर को हम कांस्टेंट कर दें तो
तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्स्टेंट। अब हमने माना ये एक ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, इस चार्ज से हमेशा एक ऐसा सरफेस हम अज्यूम करें, वो सरफेस इस पॉइंट क्यू चार्ज से हमेशा सेम डिस्टेंस आर पर हो, तो वो सरफेस किस फॉर्म के अंदर होगा, वो सरफेस होगा एक सफीर की फॉर्म में। मान लीजिए इसके चारों ओर ये एक सफीर की फॉर्म में एक सरफेस है, इस सरफेस के हर एक पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर रहेगी। तो जो स्फेरिकल सरफेस है वो वास्तव के अंदर क्या है, इस चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि वो जो स्फेरिकल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस आर सेम है, और अगर डिस्टेंस आर सेम है तो उस इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जब पोटेंशियल है वो भी सेम रहेगा, और अगर किसी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा तो उस सरफेस को हम क्या बोल देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस की फॉर्म में होता है, पॉइंट उस चार्ज को सेंटर मानकर। मान लीजिए फर्स्ट सरफेस है, ये थोड़ा और बड़ा सरफेस आ गया, थोड़ा और बाहर की सरफेस आ गया। इस सेकंड सरफेस की बात करूं, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। ये प्लस क्यू चार्ज है मैंने माना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस प्रकार बाहर की ओर निकलेंगी। और हमने अभी कुछ टाइम पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो जो ही एक प्रकार का स्फेरिकल सरफेस है, ये 3D की फॉर्म के अंदर है, आपको लगे सर्कुलर शेप का है पर वास्तव के अंदर ये क्या है, स्फेरिकल शेप का है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो इन स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर है। आप इसको ये मानो कि एक प्रकार की फुटबॉल है, और फुटबॉल का बिल्कुल जो सेंटर है उस फुटबॉल के सेंटर पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये जो सरफेस जिस पर पेन चल रहा है ये फुटबॉल का सरफेस है जो कि स्फेरिकल शेप का है, और वो जो सरफेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। कुछ पॉइंट्स बुक में दे रखे हैं सरफेस के रिगार्डिंग, वो आप पढ़ लेंगे। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक होगा तो ये जो सरफेस हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो तो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी जो प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर हमने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दो किए थे, उसी सरफेस का एक हम क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखा रहे हैं। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि स्फेरिकल शेप के थे, उसका छोटा सा पोर्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर कोई प्लस क्यू चार्ज हमने रखा हुआ है, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने नाम दिया डीवी। डीवी है दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इस चार्ज को हमने इस पी पॉइंट से इस ए पॉइंट की अलोंग मूव करवाना है, और कितना मूव करवाना है वो है डिस्टेंस डी आर हमने मूव करवाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना इस पी पॉइंट से इस अलोंग है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस इन तीनों सरफेसेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है। इस चार्ज को हम मूव करवाएंगे पी से ए के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस अलोंग है, दोनों के बीच एंगल होगा थीटा। अब हम वर्क डन निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा इस टेस्ट चार्ज को मूव करने में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज, वो जो वर्क डन होगा वो आएगा माइनस क्यू डीवी। डीवी है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की मल्टीप्लाई होगी चार्ज से। पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि बच्चों इस अलोंग जिस अलोंग हम उसको इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं उस अलोंग जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। हम ये फॉर्मूला जानते हैं q upon 4 pi epsilon naught r।
और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो वी की वैल्यू कम होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाया गया है। वर्क डन का हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज एफ डॉट डी आर। एफ यहाँ पर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डी आर डिस्प्लेसमेंट है। इनको इनका डॉट प्रोडक्ट हम ओपन कर लेंगे, एफ डी आर कॉस थीटा, और एफ की वैल्यू हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। दोनों ही वर्क डन है, दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, माइनस क्यू डी वी इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा, और यहाँ से हम ई कॉस थीटा निकालेंगे, वो आएगा डी वी अपॉन में डी आर। और ई कॉस थीटा क्या है हम यहाँ से देख लेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर लूँ तो क्या आएगा, वो आएगा ई कॉस थीटा। इसका मीनिंग जो ई कॉस थीटा है वास्तव के अंदर वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट है जो कि इस डी आर के डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी माइनस डी वी अपॉन में डी आर। इसको अगर आप एक्स एक्सिस माने या कोई भी एक्सिस मान लें, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा। ये जो डी वाई डी वी अपॉन डी आर है, ये है एक प्रकार का चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट, और इसको हम नाम दे देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की। हमारे पास काफी सारे चार्जेस हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में पहले उसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं, क्यू वन है, क्यू टू है, इस प्रकार क्यू एन तक बहुत सारे चार्जेस हैं। ये आपस में इनफाइनिटली डिस्टेंस अपार्ट है। इन सभी चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसी एक पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क किया जाएगा, उस वर्क से हम क्या निकाल सकते हैं इन सभी की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कई सारे पॉइंट्स मान लिए, मान लीजिए पी वन पॉइंट यहाँ पर है, पी टू पॉइंट है, पी थ्री पॉइंट है। मैंने क्या करना है, इस क्यू वन चार्ज को चार्ज पर वर्क करेंगे इसको हम लाएंगे पी वन पॉइंट पर, क्यू टू चार्ज पर वर्क करेंगे इसको हम लाएंगे पी टू पॉइंट पर, सिमिलरली क्यू थ्री पॉइंट पर हम वर्क करेंगे चार्ज पर, और इसको हम लाएंगे पॉइंट पी थ्री पर। तो इन सबको अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजिशन पर लाने के लिए जो टोटल वर्कडन होगा उनको अगर हम आपस में ऐड कर दो, हमें क्या मिलेगी इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दें सारे के सारे आपस में कहां पर हैं, स्टार्टिंग में इनिशियली कहां थे, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थे। उनको हम कहां ला रहे हैं, इनकी रिस्पेक्टिव पोजिशन पर हम इनको ला रहे हैं। तो जितना वर्क हम करेंगे वही इनमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब हम इनको डराइव करेंगे, इसका ए पार्ट हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। मान लीजिए बच्चों हमारे पास टू चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज हमारे पास है पी वन पॉइंट पर, प्लस क्यू वन चार्ज हमने रखा हुआ है, और क्यू टू चार्ज इनिशियली है एट इन्फिनिटी। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पी टू है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है इसको हम मान लेते हैं आर वन टू वैक्टर। ये जो पी वन है इसका पोजिशन वैक्टर हमने मान लिया आर वन वैक्टर, और पी टू पॉइंट का पोजिशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन इसको मान लेंगे हम आर टू वैक्टर। इस क्यू टू चार्ज को हमने इनफिनिटी से इस पी टू पॉइंट पर लेके आना है, तो इस क्यू टू चार्ज पर हम वर्क करेंगे इसको पी टू पॉइंट पर लाने के लिए, तो कितना वर्क किया जाएगा वही इस सिस्टम की क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर। हमें वर्क करना क्यों पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि जब आप इस क्यू टू चार्ज को इनफिनिटी से पी टू पॉइंट पर लाने की कोशिश करोगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस क्यू वन चार्ज का जो पोटेंशियल है, क्यू वन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां तक होगा, उस क्यू वन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पोटेंशियल के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा क्यू टू पर, तभी आप क्यू टू को इस पी टू पॉइंट पर ला पाएंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। तो इसी तरीके से हम
ये वर्क डन निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल इस पॉइंट पर किसका है, पी टू पॉइंट पर पोटेंशियल किसका है, 54 चार्ज का। तो पोटेंशियल ऑफ 54 चार्ज एट पॉइंट पी टू, पी टू पॉइंट पर 54 की वजह से पोटेंशियल कितना है, उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू। तो 54 चार्ज यहां पर है, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा पी टू पॉइंट पर वो हमने निकाल दिया। अब जब वर्क डन करोगे आप क्यू टू चार्ज पर, इस क्यू टू चार्ज को इनफिनिटी से पी टू पॉइंट पर लाने के लिए, तो हमें इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क किया, वर्क डन ऑन क्यू टू चार्ज इसको इनफिनिटी से पी टू पॉइंट पर लाने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा कितना पोटेंशियल है जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा और किस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। पोटेंशियल है वो क्या, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू, और किस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, किस चार्ज पर वर्क किया जा रहा है, वो चार्ज है क्यू टू। तो ये आएगा हमारे पास नेट वर्क, और यही वर्क है वो स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है। इसका स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं बच्चों, मान लीजिए इस पी वन पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर क्यू वन चार्ज स्टार्टिंग में नहीं है, हमने करना क्या है, हमने इस क्यू टू चार्ज को इस पी टू पॉइंट पर लेके आना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा जीरो, क्योंकि हम किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, कोई है नहीं जिसके अंदर हम अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो किसी चार्ज को हम पी टू पॉइंट पर अगर लेके आएंगे, तो वहां पर अगर किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। अब बच्चों हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू एन, बहुत सारे एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब हमें इन चार्जेस पर वन बाई वन वर्क करना है। चार्जेस इनिशियली इनफिनिटी डिस्टेंस पर पड़े हैं आपस में और बहुत दूर हैं, और हमें इन चार्जेस को वन बाई वन इन पर हम वर्क करेंगे, इनको हम रिस्पेक्टिव पोजिशन पर लेके आएंगे। मान लीजिए क्यू वन चार्ज पर हम वर्क करेंगे, इस चार्ज को वर्क करेंगे, इसको हम पी वन पॉइंट पर लाना चाहते हैं। सिमिलरली क्यू टू चार्ज पर हम वर्क करेंगे ताकि हम इसको पी टू पॉइंट पर ले आए, और क्यू थ्री चार्ज पर हम वर्क करके इसको पी थ्री पॉइंट पर लेके आएंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे क्यू वन पॉइंट पर, इनिशियली सारे चार्जेस इनफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो वर्क करेंगे हम वर्क डन इन मूविंग क्यू वन चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट पी वन। कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, देखो इस क्यू वन चार्ज को आप पी वन पॉइंट पर लेके आओगे, तो पी वन पॉइंट के आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, किसी भी चार्ज का पोटेंशियल नहीं है, तो किसी प्रकार का वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो क्यू वन चार्ज को आप बिना वर्क किए पी वन पॉइंट पर ला सकते हैं। अब क्यू वन चार्ज बच्चों यहां से आप चार्ज को, इस क्यू वन को यहां ले आए। अब हम इसको मूव करवाएंगे क्यू टू चार्ज को। जब क्यू टू चार्ज को हम मूव करवाएंगे पी टू पॉइंट पर लेके आने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों हमें किसके फील्ड का अपोज करना पड़ेगा, क्यू वन के फील्ड का अपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इन मूविंग क्यू टू चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट पी टू। कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल किसकी वजह से है, जो जो क्यू वन की वजह से पोटेंशियल है, और मल्टीप्लाई चार्ज। और क्यू वन का पोटेंशियल कितना है, वो है क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच के डिस्टेंस को आप मान लो आर वन टू, ये डिस्टेंस है आर वन थ्री, ये डिस्टेंस है आर टू थ्री। तो क्यू टू क्यू वन चार्ज का जो पोटेंशियल है इस पी टू पॉइंट पर, वो होगा क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू, ये पोटेंशियल है क्यू वन का पी टू पॉइंट पर। और किस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, क्यू टू चार्ज को, ये क्यू टू मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर नेट वर्क डन जो क्यू टू चार्ज को आप लेके आओगे, तो आएगा क्यू वन क्यू टू पॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू, ये वर्क डन है जो क्यू टू चार्ज को आप लेके आए इनफिनिटी से पी टू पॉइंट पर, और क्यू वन चार्ज को लाने के में कितना वर्क हुआ, जीरो वर्क हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों क्यू थ्री चार्ज की। अब आप ध्यान से देखें, जब आप क्यू थ्री पॉइंट चार्ज को कहां लाना चाहते हैं, क्यू थ्री चार्ज को हम लाना चाहते हैं पी थ्री पॉइंट पर, जो कि इसे इनफिनिटी डिस्टेंस अपार्ट है। पर जब आप क्यू थ्री को P3
P3 पॉइंट पर लेके आओगे तो किस किस के फील्ड का अपोज करना पड़ेगा, Q1 और Q2 दोनों के फील्ड का हमें अपोज करना पड़ेगा जब आप Q3 को लेके आओगे। क्योंकि बच्चों जब Q3 को आप मूव करवाओगे तो पहले से P1 पॉइंट पर कौन पड़ा हुआ है, Q1 चार्ज, P2 पॉइंट पर कौन पड़ा हुआ है, Q2 चार्ज। तो दोनों के फील्ड का हमें अपोज करना पड़ेगा जब आप Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से P3 पॉइंट पर लेके आओगे। तो वर्क डन इन मूविंग Q3 चार्ज कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से 0.3 पर। तो कैसे निकालोगे, तो इसका अपोज कौन करेगा, इन दोनों का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, Q1 एंड Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है और वो चार्ज जिसको आप मूव करवा रहे हो। तो Q1 का पोटेंशियल क्या है बच्चों, Q1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहां पर आएगा R13। क्योंकि बच्चों अब हम इस Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे P3 पॉइंट पर, तो डिस्टेंस आएगी R13। ये पोटेंशियल है Q1 की वजह से। अब निकालेंगे Q2 की वजह से पोटेंशियल, Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट या डिस्टेंस आएगी जो Q2 और Q3 के बीच में है, ये आएगी R23। क्योंकि हम पोटेंशियल निकालेंगे Q2 चार्ज का इस P3 पॉइंट पर जहां आप Q3 को लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों, ये P1 Q1 की वजह से पोटेंशियल है, ये Q2 की वजह से पोटेंशियल है, और मल्टीप्लाई चार्ज किसको लेके आ रहे हैं, Q3 पॉइंट को। इनके अंदर मल्टीप्लाई करके आप कुछ कॉमन यहां से निकाल लें, दैट इज Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23। ये वर्क डन है, नेट वर्क डन Q3 पॉइंट को चार्ज को इन्फिनिटी से P3 पॉइंट पर लाने में जो किया जाएगा। इस प्रकार बच्चों अगर हम Q4 चार्ज को इन्फिनिटी से P4 पॉइंट पर लेके आएंगे तो किस किस के फील्ड का अपोज करना पड़ेगा, Q1 के फील्ड का, Q2 के फील्ड का और Q3 के फील्ड का। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, Q4 चार्ज को इन्फिनिटी से P4 पर लाने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, Q1 Q2 एंड Q3 और मल्टीप्लाई आएगा वो चार्ज। तो है W4, Q4 चार्ज को इन्फिनिटी से P4 पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया गया वो ये वर्क आएगा। अब फोर चार्जेस को का जो नेटवर्क था वो हम निकाल लेंगे, जो फोर चार्जेस का नेट वर्क डन होगा वही वर्क डन इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो W1 W2 W3 W4, W1 क्या है, Q1 चार्ज का वर्क डन, Q2 चार्ज का, Q3 का, Q4 का। Q1 का 0 था, ये Q2 का वर्क डन है, ये Q3 का वर्क डन है, ये Q4 का वर्क डन है। इनमें जो सब में कॉमन आया वो कॉमन निकाल लेंगे, इस प्रकार पेयर बन जाए Q1 Q2 Q1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ये सारे पेयर इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 के जो पेयर बनेंगे। तो अगर ये एन चार्जेस की हम बात करें तो फोर चार्जेस का ही वर्क डन है, और अगर हमारे सिस्टम में एन पॉइंट चार्जेस हों तो उनका नेटवर्क निकालेंगे, वो आएगा इस एक्सप्रेशन से हम लिख देंगे, जो एनर्जी आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट कॉमन है, और समेशन कर देंगे सभी पेयर्स का। यहाँ पर जे के मान लिया, आर जे के और जे के का मीनिंग यहाँ पर सारे सारे पेयर आ जाएंगे। जिस प्रकार मान लीजिए Q1 Q3 पॉइंट है तो 1 3 आ गया और 3 1 भी आएगा, तो कहने का मतलब इसमें सारे पेयर आएंगे पर वो पेयर आएंगे डबल। जिस प्रकार मान लीजिए Q2 Q4 है तो पहले Q2 का Q4 में वर्क डन, फिर Q4 का Q2 में, इस प्रकार हर एक पेयर हर एक चार्ज 2 बार आ जाएगा। तो इसको अगर हम करेक्टली सही करके लिखेंगे तो आगे हम हाफ लगा देंगे और ये हमारा एक्सप्रेशन सेम है, और जे की वैल्यू 1 से एन तक और के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। तो यहाँ पर जे और के जो है वहां पर सारे पेयर आएंगे, अगर सारे पेयर आएंगे तो वो एक चार्ज जो है वो 2 बार आ जाएगा, इसीलिए आगे हाफ लगा दिया। डबल पेयर कैसे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर जे की वैल्यू भी 1 से n तक जाएगी और के की वैल्यू भी 1 से n तक जाएगी। मान लीजिए जे के का हम अगर पेयर बनाएं,
जे की वैल्यू मान लीजिए टू है, के की वैल्यू मान लीजिए वन है, मतलब यहाँ पर क्यू टू और क्यू वन, ठीक है। और अगर के की वैल्यू वन हुई, जे की वैल्यू टू हुई, तो बात तो सेम ही है, क्यू टू क्यू वन और क्यू वन क्यू टू, इनकी बात से उसी प्रकार अगर जे जे की वैल्यू मान लीजिए, जे की वैल्यू यहाँ पर ये जे के है, जे की वैल्यू मान लीजिए थ्री है, के की वैल्यू मान लीजिए फोर है, तो क्या बनेगा, ये क्यू थ्री क्यू फोर चार्ज बनेंगे यहाँ पर। और अगर जे की वैल्यू फोर है, क्यू की वैल्यू थ्री है, तो पेयर बनेगा क्यू फोर क्यू थ्री का, ये भी बात सेम है, इसीलिए क्या होगा, इस प्रकार डबल डबल पेयर बनेंगे। तो इनको करेक्ट करने के लिए हम आगे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे।